नमस्कार, मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और नीट, जी हाँ, काफी समय के बाद आपकी मध्य प्रदेश में नीट स्टेट काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके बारे में बच्चे हमसे पूछ रहे हैं, तो उसी के बारे में आज हम रीवा सिरमौर चौराहा में करीम ऑनलाइन एंड बुक शॉप में आए हुए हैं। ये देखिए, और यहाँ पे आपको सभी बुकें अवेलेबल हैं, जो भी आपको नीट वगैरह की बुक चाहिए सभी लगी हुई है यहाँ पे। और अभी हम यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया भी हो रही है, तो वो हम आपको जो है वो दिखाने चल रहे हैं। तो चलिए, ये देखिए, चलिए हम काउंसलिंग की प्रक्रिया देखने चल रहे हैं ऊपर। ये देखिए, ये सीढ़ी लगी हुई है, चलिए चलते हैं ऊपर, चल रहे हैं। ये मास्टरमाइंड कोचिंग का बैनर भी लगा हुआ है आपका, ये नर्सिंग और नीट, जी हाँ, 2025 के लिए हमारे नए टॉपर बैच स्टार्ट हो चुके हैं, तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ भी आ सकते हैं। चलिए हम चल रहे हैं। अब आज हम पूरी आपको ऑनलाइन के माध्यम से किस तरह से एमपी स्टेट की काउंसलिंग करें वो बताने जा रहे हैं। हाँ, तो हम ये करीम ऑनलाइन में आ चुके हैं और आज हम बड़ी ही सरल भाषा में समझेंगे कि आपको नीट 2024 की एमपी काउंसलिंग जो हो रही है आपकी, उसमें क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीडिंग है। चलिए चलते हैं हम। तो हम बैठ गए हैं, ये चलिए हमारे सामने स्क्रीन है, ये इसमें हम खोल रहे हैं। बता दीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर जाएंगे, जिसमें आपको अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग के तहत MBBS और BDS की रजिस्ट्रेशन होगा। ये दिख रहा होगा आपको लाइन में। हाँ, अगला देखिए, अगला प्रश्न है। रजिस्ट्रेशन में पहले तीन कॉलम रहेंगे, DME इसमें जाना है और इसमें क्लिक हेयर करना है। पहले कॉलम में जाना है ना? जी, जैसे ही क्लिक करेंगे अपने पास ये इस तरह की विंडो खुलेगी, जिसमें क्रिएट प्रोफाइल रहेगा। कौन सी विंडो खुल रही है? ये विंडो खुल रही है आपकी, है ना? जी जी, ये क्रिएट प्रोफाइल की है। इसमें क्लिक करने पर अपने को इस तरह सा एक विंडो ओपन होगा जी, जिसमें नीट यूजी का रोल नंबर कहाँ पे डालना है, ये यहाँ पर, और सीक्रेट की। सीक्रेट की में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर प्लस जो स्कोर कार्ड में आपको नंबर मिले हैं वो डालना है और इसको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपकी अपनी प्रोफाइल खुल जाएगी, इसमें नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सभी चीजें मौजूद रहेंगी। इसके बाद और इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एक कोई आईडी प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट इत्यादि यहाँ पर इंटर करना है, उसका नंबर और अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद आपको अकाउंट नंबर ऐसा देना है जिसमें आपका रिफंड आएगा। इस पर्पज से अकाउंट नंबर लिया जा रहा है, इसमें अकाउंट नंबर मांगा जाएगा। किसी के नाम का भी हो सकता है, दूसरे नाम का, पेरेंट्स का रहेगा या कैंडिडेट का रहेगा। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम, यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। अगला चरण आएगा आपका OTP, आपके मोबाइल में OTP आएगा, इसमें अपन न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड डालने पर आपकी अपनी प्रोफाइल खुल जाएगी। यहाँ प्रोफाइल खुलने के बाद इसमें अपन इसमें सभी चीजें मौजूद रहेंगी, मोबाइल नंबर वगैरह सभी पूरा भेज जाएगा। इसको नेक्स्ट करेंगे, अगले चरण में सभी डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड करने हैं, जिसमें नीट का एडमिट कार्ड, डॉक्यूमेंट बता दीजिए क्या लाना है डॉक्यूमेंट में। नीट का एडमिट कार्ड, 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, एफिडेविट ऐसा रहेगा, इस पर्पस से रहेगा कि हमारा किसी अदर स्टेट में निवास नहीं है। नोटरी से बन जाता है, आसानी से बन जाता है, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर वहां से बनवाना पड़ेगा। बनवा लीजिएगा, बना देंगे, वो लोग जानते हैं काफी।
फिर निवास प्रमाण पत्र रहेगा, और जिनका ईडब्ल्यूएस है या कि फिर एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के हैं, या जीएस कोटा भी ऐसे है, जीएस कोटा है एमपी में, इसमें 5% सीटें आरक्षित है, वो भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, वो यहीं पे लगाना आपको। जीएस कोटा के बारे में बता रहे थे आपको काफी, ईडब्ल्यूएस यहीं पर लगेगा, यहाँ पर अपलोड करके सेव इंक्लोजर करेंगे तो पूरी प्रोफाइल के जो डॉक्यूमेंट एक बार अपने को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि जो लगा है सही लगा है, एक बार चेक जरूर कर लें क्योंकि गलती हो सकती है, एक बार चेक कर लें और फिर यहाँ से फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पर अपने को पेमेंट करना है। पेमेंट कितना है? 1100 रुपये। और उसमें कोई कैटेगरी वाइज है क्या, कम है भी है क्या? नहीं नहीं, सबके लिए, सभी लोगों के लिए 1100 रुपये पेमेंट करना है। वापिस हो जाता है क्या काउंसलिंग? नहीं नहीं, ये नॉन रिफंडेबल रहता है, ये वापिस नहीं होगा आपका। वो होता है चॉइस फिलिंग में जो 5000 रुपए लगती है वो रिफंडेबल रहती है, वो खाते में आएगी जो अकाउंट नंबर दे। ये अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है ना? हाँ, ये रजिस्ट्रेशन खुद किया। कब तक चलेगी अभी ये? 20 तारीख तक। 20 अगस्त 2024 तक चलेगी। इसके बाद प्रोसीडिंग बता सकते हैं कुछ? 22 तारीख को चॉइस फिलिंग होगी। 22 तारीख को आपकी जो है वो चॉइस फिलिंग होगी, तो कॉलेजों के नाम दिखाए जाते हैं उसमें, कॉलेज के नाम रहेंगे, कॉलेज के नाम दिखाए जाएंगे और आप उसमें से सिलेक्ट करिएगा। बड़ी सावधानी सिलेक्ट करना है क्योंकि सुधार के अवसर कम मिलते हैं। उसके बाद अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट आएगा आपका 25 तारीख के, 25 अगस्त तक। हाँ, 25 अगस्त तक आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है, कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है, कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करना है। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट, अभी तो आपको चेक नहीं किए डॉक्यूमेंट, वहाँ पे सर डॉक्यूमेंट वहीं पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन वहीं पे होगा जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। और इसकी फीस कितनी लग रही है जब अलॉटमेंट के पहले? रजिस्ट्रेशन की फीस 1100। उसके बाद दूसरी फीस? दूसरी फीस 5000। 5000 रुपये प्लस पोर्टल चार्ज 100 रुपये, और पोर्टल चार्ज है 100 रुपये, 5000 है। ये आपका वापस हो जाएगा अगर आपके कहीं पे कॉलेज नहीं लेते हैं आप, या कॉलेज नहीं मिल पाता तो आपका ये वापस हो जाएगा। और कोई जानकारी बताना चाहेंगे? तो ये हमने मध्य प्रदेश स्टेट नीट 2024 काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में एक छोटा सा जानकारी सहित और बड़ा प्रैक्टिकल वीडियो आपको बताने का प्रयास किया है। हम अपने प्रयास में कितने सफल रहे और आगे भी आपका हम गाइडेंस करते रहेंगे। हम कोई काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, लेकिन यदि आप हमारे पास मिलते हैं या हमसे फोन करते हैं तो हम कोई जो दक्ष है इस मामले में उसका नंबर आपको हम दे देंगे जो आपकी काफी हेल्प करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। तो आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बेल का आइकन कर लें ताकि हम जो भी अपडेट आपको देना चाह रहे हैं आप तक आराम से पहुंच जाए। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।